हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे, राइट? यस सर। दोस्तों, हम लोग ने रिसेंटली एक चैप्टर कंप्लीट किया था जो है चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल को लेके। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सेकेंड चैप्टर, दैट इज फ्रॉड, कंसिडरेशन ऑफ लॉस, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स इन रिस्पेक्ट टू ज्वाइंट ऑडिट। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सारे टॉपिक्स अपने कहां कवर होने वाले हैं, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर में अपना पूरा जो फोकस रहेगा, इट विल बी ऑन एसए 240, 250, एसए 260, 299 एंड 402। दोस्तों, आप अब बात जान ही चुके होंगे कि सीए फाइनल ऑडिट न्यू सिलेबस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, मेजर फोकस इज गिवन ऑन क्लैरिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो हमारा यहां पे काम जो है वो बहुत सिंपल है, पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स को ये जो चैप्टर्स में दिए गए डिटेल में पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम 100% लेके आओ, आपके केस स्टडीज एमसीक्यूज बहुत आसान हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड। जैसे हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स की समरी बनाई थी, वी आर गोइंग टू डू द सेम इन दिस चैप्टर एज वेल। सो आर यू गाइस एक्साइटेड टू स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर नाउ? एब्सोल्युटली यस सर। चलिए, सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे चैप्टर नंबर 2 की, जिसके अंदर हम लोग कौन से एसेस की बात करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। एसे नंबर 240, एसे नंबर 240 के बाद एसे नंबर 250, एसे नंबर 260, एसे नंबर 299, एसे नंबर 402। तो ये जो है दोस्तों, ये सारे एसेस हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले 240, 250, 260, 299 एंड एसए 402। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ एसए नंबर 240। क्या कहता है 240? सो दिस टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड। अब देखो, ये स्टैंडर्ड तो हमने डिटेल में इंटर में पढ़ा भी है, एक बार इसको यहां पे इंस्टीट्यूट बोलता है कि और एक बार पढ़ ले बेटा, क्योंकि अब तू सीए बनने वाला है तो तुझे इन स्टैंडर्ड्स की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी बढ़िया है गुरु। चलो बच्चों, सो ऐसे 240 के बारे में बात करते हैं। पहली बात आप ये समझ लीजिएगा कि जब हम लोग अपना ओपिनियन देंगे, फर्स्ट थिंग दैट इज, जब हम लोग अपना ओपिनियन देंगे तो हम लोग ओपिनियन देने के लिए क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं ओपिनियन देने के लिए, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, साथ में लिखते जाओ बच्चों, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी फ्री From material misstatements, whether due to fraud or error. Now this is very important. ऐसे 240 को स्टार्ट करने के पहले आपको यह बात बहुत बढ़िया क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो ये कहता है कि द अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। मतलब भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होना तो चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर चाहे वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड से रिलेटेड हो या वो एरर से रिलेटेड हो, इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
तभी हम लोग अपना ओपिनियन देंगे कि वेदर दिस अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर। क्या ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर आप समझिए, इधर हम लोग एक टर्म देखते हैं फ्रॉड, इधर हम लोग एक बात देखते हैं फ्रॉड। फ्रॉड और एरर की अगर अपन बात करें सो दोनों में अंतर क्या है? अगर अपन देखें फ्रॉड के बारे में बेटा, तो व्हाट इज फ्रॉड? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्रॉड अगर अपन बात करें तो फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट। फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, इसको बोलते हैं फ्रॉड। समझा क्या कुछ? तो दिस इज फ्रॉड। बट अगर अपन बोले व्हाट इज एरर, तो एरर इज व्हाट अदर देन फ्रॉड? एरर इज व्हाट? व्हाट इज एरर? इट इज एन अनइंटेंशनल एक्ट। इट इज एन अनइंटेंशनल, अपना कोई भी इंटेंशन नहीं है कि भाई बस गलती हो गई। तो आप समझिए यहां पे एरर जो है ना, ठीक है हो गया अनइंटेंशनल एक्ट, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है हो गया, मान लिया गलती हो गई, चल ठीक है ना, क्या करते हैं अभी। बट फ्रॉड ने क्या बोला है भाई? इंटेंशनल एक्ट, इलीगल या अनजस्ट एडवांटेज, धोखा देके गलत फायदा उठाना, इसको अपन ने क्या बोला भाई? दिस इज फ्रॉड। ऐसा उसको बोलेंगे, दिस इज व्हाट इज फ्रॉड। तो होता क्या है ना कि दिस इज डन, जो ये फ्रॉड है ना भाई, दिस इज डन इन व्हाट? डन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। दिस इज डन इन व्हाट? वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एकदम सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है फ्रॉड, सोच समझ के, एकदम शातिर दिमाग लगा के। तो इसीलिए व्हाट हैपेंस इज ऑडिटर्स को इट बिकम्स डिफिकल्ट, ऑडिटर्स को इट बिकम्स व्हाट? डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स व्हिच हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू फ्रॉड। Becomes difficult to implement audit procedures to discover such frauds and then to respond appropriately regards to this material misstatement. तो आप समझने की कोशिश कीजिए, हमने क्या बोला, इन सब चीजों के वजह से what is happening over here? I said three things, आपको ध्यान में भी नहीं होगा, मैंने तीन चीजें बोली। यहां पे ऑडिटर को तीन बातें हो रही है भाई, तीन मुश्किलें ऑडिटर को यहां पे देखने को मिल रही है, वन टू एंड थ्री। तीन मुश्किलें यहां पे ऑडिटर को देखने को मिल रही है, वो क्या है? नंबर वन, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। स्पेसिफिकली फ्रॉड को लेके वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भाई हम लोग कैसे डिस्कवर करें यार, क्योंकि हमने क्या बोला, इट इज डन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। अरे भाई मतलब एकदम शातिर दिमाग लगा के ये लोग करते हैं यार काम। तो ऐसे केस में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यही नहीं, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence, barabar, to obtain what? Sufficient and appropriate audit evidence in regards identified risk of material mistake, also to design
एंड इंप्लीमेंट ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है ना, ये दिक्कत जा रही है हम लोग को कि भाई फ्रॉड जो है ना, अब देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे ढूंढे बाबा, और यार फ्रॉड करे क्योंकि एकदम सोफिस्टिकेटेड मैनर में कराना उसको फ्रॉड, एकदम कंसील शातिर तरीके से, मतलब कैश को वो दिखाएगा नहीं, इनकम दिखाएगा नहीं, फिर स्क्रैप सेल दिखाएगा नहीं, टीमिंग एंड लीडिंग करेगा बराबर के नहीं, तो कुछ भी करके वो लोग क्या कर सकते हैं भाई, वो लोग फ्रॉड कर सकते हैं। आज तू समझ बात को, तो वो रिस्क को ढूंढ के निकालना, उन रिस्क के बारे में सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को पाना, या उनसे रिलेटेड क्या कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को जो प्रोसीजर्स हम लोग को चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर्स टू डिस्कवर दोज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वही नहीं, उसके बाद क्या होता है, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, बराबर के नहीं, दैट ऑल्सो बिकम्स वॉट वेरी डिफिकल्ट। तो यार इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कि जब ये फ्रॉड होता है तो ऑडिटर्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, सो इसीलिए दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, यहां पे एसए 240 आता है और बोलता है दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसए नंबर 240। दीज बिकम्स वॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसए 240। एसए 240 बोलता है फिकर नॉट, आई एम हियर, डोंट वरी व्हेन एसए 240 इज हियर, व्हाई टू फियर व्हेन एसए 240 इज हियर। तो बोलता है तुमको कैसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है इन रिलेशन टू फ्रॉड, आई विल हेल्प यू। आपको ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना है, आई विल हेल्प यू। कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, आई विल हेल्प यू। हाउ टू रिस्पॉन्ड, आई विल हेल्प यू, यू डोंट वरी एट ऑल। अगर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, आ जाओ पढ़ा दूंगा। अगर आपको सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे प्राप्त करना है, आ जाओ सिखा दूंगा। अरे ऐसा काम मेरे ये, तो भाई दिस इज व्हाट इज एसए 240 ऑब्जेक्टिव, समझा गया? तो बेटा थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आएगा। सो क्या कह रहे हैं, देख यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसए 240 डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू व्हाट फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट असिस्ट द ऑडिटर इन डूइंग व्हाट, इट असिस्ट द ऑडिटर इन डूइंग व्हाट, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू स्पेसिफिकली, क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ वहां पे, फ्रॉड। एंड नॉट ओनली दैट, इट असिस्ट इन, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, डिजाइनिंग प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट सच मिसस्टेटमेंट्स, दिस इज व्हाट इज इट। तो इसीलिए अगर आप फिर से इसके ऑब्जेक्टिव देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस through designing and implementing appropriate responses and to respond appropriately to the identified or suspected fraud. Samjha gaya? Simple ekdam. So kya hua yahan pe? So identify and assess the risks of material misstatement. Specifically due to fraud, obtain audit evidence by designing and implementing appropriate responses and to respond appropriately. So this is what is the intention of essay number 240. Jami baat, bilkul. Now what is the meaning of the term fraud? Kya bola apan? Fraud kya hai? So fraud, dear friends, is an intentional act. डन बाय वन और मोर, कोई भी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, एम्प्लॉइज, थर्ड पार्टीज, कोई भी, विद द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। जानबूझ के, इंटेंशनल मतलब क्या, जानबूझ के कोई भी हरकत करी गई हो गलत फायदा उठाने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे एज वॉट, फ्रॉड। आगे बढ़ते, मिसस्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपन ने क्या बोला था, यह बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम सही लाइन है भाई, वो क्या बोल रहे हैं यहां पर, मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या बोला उसने, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्रॉड और एरर।
भाई मिसस्टेटमेंट्स कैसा भी हो सकता है, फ्रॉड के वजह से भी हो सकता है या एरर के वजह से भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इट कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड और इट कैन बी बिकॉज ऑफ एरर। अपने को ऐसे 240 के हिसाब से किस पे फोकस रखने का है, ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्रॉड। ऐसे 240 में ओपिनियन देने के लिए, फॉर ओपिनियन क्या बोला अपन ने, फॉर ओपिनियन टू गिव द ओपिनियन अपने को देखना है कि वेदर इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बी इट फ्रॉड और बी इट एरर। ओपिनियन के लिए दोनों देखने का है मेरे को, समझा क्या बात? यस। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन फ्रॉड एंड एरर, इज द अंडरलाइंग एक्शन, अंडरलाइंग एक्शन वेदर इट इज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। भाई अगर ये इंटेंशनल है सो दिस वी कॉल इट एज फ्रॉड, भाई अगर ये अनइंटेंशनल है तो दिस वी कॉल इट एज एरर। द ऑडिटर इज कंसर्न विद फ्रॉड दैट कॉजेज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो यस वी आर कंसर्न विद फ्रॉड बट फॉर पर्पस, पर्पसेस ऑफ एसे 240 ओनली, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ओपिनियन। फॉर ओपिनियन हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ओपिनियन के लिए वो चाहे फ्रॉड हो या वो एरर हो, ओपिनियन के लिए दोनों कंसिडर करेंगे। हा ओपिनियन के लिए दोनों, बट एसे 240 के लिए ओनली फ्रॉड। गॉट इट, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। सो ये अपना क्या हो गया, एसे 240 के बारे में बात हो गई, सही है एकदम। अभी सो यहां पे अपन बात करते हैं एसे 240 ओनली एंड ओनली बेटा, ओनली एंड ओनली फ्रॉड। अभी ये डन हो गया, ये डन हो गया क्या, एसे 240 ओनली एंड ओनली फ्रॉड, ये क्लियर है तो आगे बढ़ते, बोलो कुछ तो। हे गाइस कम ऑन, ओके। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सो अभी यहां पे कहते हैं हम लोग जब फ्रॉड की बात कर रहे हैं, सो यहां पे कहा गया है कि देर आर टू टाइप्स। हाँ अभी ध्यान से सुनना, फ्रॉड की पहले और थोड़ा जनरल बात करते हैं। फ्रॉड जो है ना सर, इधर ध्यान दीजिएगा, फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट, ठीक है। देयरफोर एज पर एसे 240 ऑडिटर इज कंसर्न्ड विथ those frauds that causes financial statements to be materially misstated। मतलब क्या है फ्रॉड, ये जो है ना भाई ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट, मतलब इट कैन हैपन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इट कैन हैपन इन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला भी मामला। तो अपन को फोकस क्या करना है कि भाई ऐसे ही फ्रॉड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बजाती हो, नो डाउट फ्रॉड ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, गलत क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चिपका दिया आप लोगों को, तो ये भी तो फ्रॉड हुआ ना, सही बात है एकदम। पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अपने को ऐसे एम्प्लॉय ने हाफ डे लेके फुल डे का मार्क किया, अपने को कोई लेना देना, अपने को सिर्फ कौन से फ्रॉड के ऊपर फोकस रखने का है, ऐसे फ्रॉड विच कॉजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यस टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। मेरे को बाकी फ्रॉड का कोई लेना देना है ही नहीं बॉस, समझा गया। ऐसे फ्रॉड के ऊपर फोकस करेगा दैट कॉजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, गुड एकदम, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। सो अब अगर वी आर फोकस्ड स्पेसिफिकली ऑन दोज फ्रॉड्स दैट कॉजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, तो ऐसे यहां पे समझो देर आर
टू टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. ऐसे दो टाइप के मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है. देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स दैट कॉजेस मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऐसे दो टाइप के. सो क्या लिखा हुआ है वो, द टू टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स विच बिकम रेलेवेंट टू द ऑडिटर इज वॉट. नंबर वन, मिसस्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसस्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. सो क्या लिखेंगे यहां पे सर अपन, दो टाइप के मटेरियल मिसस्टेटमेंट कौन से, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दूसरा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. सो ऐसे दो टाइप के मिसस्टेटमेंट्स है. तो ऐसे 240 क्या बोलता है, फ्रॉड. बट फ्रॉड ये ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम लोग सिर्फ उन्हीं फ्रॉड्स के ऊपर फोकस करेंगे जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं. सो ऐसे दो टाइप के मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स विच आर रेलेवेंट टू द ऑडिटर इज नंबर वन दैट कॉजेस फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. दैट इज टू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंटेंशनली फ्रॉडुलेंटली रिपोर्टेड, बराबर. एंड दूसरा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ योर एसेट्स. So, ये दो मिसस्टेटमेंट्स बिकम्स व्हाट रेलेवेंट टू मी एज एन ऑडिटर अंडर एसए नंबर 240. बहुत बहुत बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है सर, सही है. सो क्या हुआ यहां पे, फ्रॉड ड्यू टू मिसस्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व्स व्हाट, क्या क्या होता है. इट इन्वॉल्व्स इंसेंटिव, प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, अपॉर्चुनिटी टू डू सो and some rationalization of the act. ठीक है ना. So and some rationalization. तो इनके वजह से फिर चाहे ये कुछ भी हो, इन दोनों के common reasons क्या है, incentive, pressure, opportunity, मौका या some rationalization. तो आइए जरा इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं. Incentive or pressure to commit fraudulent financial reporting may exist when management is under pressure from sources outside or inside the entity to achieve unexpected or perhaps unrealistic earnings target or financial outcome, particularly since the consequence to the management for failing to meet financial goals can be significant. मतलब आपके ऊपर incentive या pressure क्या है कि बॉस कुछ भी कर लो, आपको क्या करना है, आपको वो targets achieve करना है. So if you want to achieve those what targets, unrealistic goals, बराबर करें. So boss, you will commit what fraud. उसके बाद, similarly individuals may have an incentive to misappropriation of assets. For example, because individuals are living beyond their means, बराबर. औकात से बाहर, living beyond their means. जितना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट वैसी लाइफस्टाइल अगर हम लोग जी रहे हैं तो उस लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए व्हाट दे विल डू, दे विल कमिट फ्रॉड्स. उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड्स मे एग्जिस्ट व्हेन इंडिविजुअल बिलीव्स दैट इंटरनल कंट्रोल्स कैन बी ओवररिडन. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ही इज इन अ पोजिशन कि उसके ऊपर इतना भरोसा है ऑफ ट्रस्ट और ही हैज द नॉलेज अबाउट द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. उसके ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं. लिविंग बियॉन्ड देयर मींस मतलब क्या, उसको क्या बोलेंगे, lifestyle above normal income, इसीलिए फ्रॉड कर रहे हो. इधर क्या हो रहा है, ट्रस्टेड पर्सन है therefore he can do,
और नोज डेफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल, दैट इज व्हाई ही इज डूइंग दिस फ्रॉड। तो एक तो अनरियलिस्टिक टारगेट्स अचीव करने हैं, या वो ट्रस्टेड पर्सन है नोइंग द डेफिशिएंसीज। उसके बाद इंडिविजुअल्स मे बी एबल टू रैशनलाइज कमिटिंग फ्रॉड्स, फ्रॉडुलेंट एक्ट। सम इंडिविजुअल पोजेस एटीट्यूड, कैरेक्टर और एथिकल वैल्यूज दैट अलाउ देम नोइंग टू इंटेंशनली टू कमिट डिसऑनेस्ट एक्ट। हाउएवर इवन अदरवाइज डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल्स कैन कमिट अ फ्रॉड इन एन एनवायरमेंट दैट इम्पोजेस व्हाट सफिशियंट प्रेशर ऑन देम। मतलब लोगों के ना खून में होता है, बराबर के नहीं, हम लोग क्या बोल रहे, लोगों के इन देयर ब्लड, दिस इज व्हाट दे फील इज नॉर्मल। अरे हाँ ठीक है ना, चोरी कौन नहीं करता यार आज के तारीख में। आप लोग आर्टिकल्स क्या करते हो, अरे सर ऑफिस का माल अपना माल, ऑफिस का पेन ड्राइव मेरा पेन ड्राइव, ऑफिस की हार्ड डिस्क मेरी हार्ड डिस्क, ऑफिस का प्रिंटिंग पेपर मेरा प्रिंटिंग पेपर। एटीट्यूड इज लाइक दैट, इट्स इन द प्लॉट, वी आर्टिकल्स वी हैव इट इन आवर प्लॉट कि ऑफिस का माल अपना है भाई ऐसा। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों के एटीट्यूड्स ऐसे होते हैं। सो इन सारे रीजंस के वजह से व्हाट हैपेंस इज दे कैन कमिट व्हाट फ्रॉड। समझ में आया बात को? सो इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज, रैशनलाइजेशंस अबाउट द एटीट्यूड्स, तो ये सारे रीजंस है जिसके वजह से फ्रॉड हो सकता है। इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग और विस्तार में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स इससे लेके अलग अलग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में। यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। नाउ एक एक चीज को अभी अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मे बी कॉज बाय द एंटिटीज। कैसे आप लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप करते हो, हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मे बी कॉस्ट बाय द एंटिटीज, हाउ एक्चुअली दे डू। सो इसके अंदर तीन हिस्से। नंबर वन, फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। सो यहां पे क्या क्या हुआ, तीन बातें अपन देख रहे हैं यहां पे। देखो भैया मजाक मजाक में बहुत ही बढ़िया सा चार्ट हो रहा है, एरर के बारे में तो अपने को बात करनी ही नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एसे ऑब्वियसली, ठीक है। अभी ये ऐसे हो रहा है, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैन्युपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और अल्टरेशन। ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स को ही क्या कर दिया, मैनिपुलेट, चेंज, टैम्पर कर लिया। मतलब 500 का इनवॉइस बता दिया 5000, समझ रहे बात को, तो मैनिपुलेट कर दिया, फॉल्सिफिकेशन, झूठे डॉक्यूमेंट्स लाके दे दिए, बराबर है। तो एक तरीके से उस बेसिस पे आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं कि देर इज इंटेंशनल ओमिशन और मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस री प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब यहां तो आपने फर्स्ट इसमें तो आपने मैनिपुलेट किया, झूठा दिखाया आपने, मतलब फॉल्सिफिकेशन। इधर तो आपने जो हरकतें हुई वो तो आपने पूरी गायब ही कर दी, मतलब यू ओमिटेड इट ऑल टुगेदर और मिस रिप्रेजेंटेड इट। मतलब बैड डेट्स आर शोन एज गुड डेट्स, समझ रहे बात को? तो आप क्या कर रहे हो कि एक तो उसको दिखाई नहीं रहे हो, आप दिखा रहे हो तो उसको रिप्रेजेंट ही गलत कर रहे हो।
तो इसके वजह से भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा है। तो मैन्युपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, अल्टरेशन मतलब आप रिकॉर्ड अल्टर कर रहे। सेकेंड में आप जो दिखा रहे हो बराबर वो गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उसको बराबर। या तो मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म आर शोन एज शॉर्ट टर्म, बैड इज शोन एज गुड डेट्स, ऐसा कर रहे हो आप लोग। तो आप समझिए देयर इज मिस रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल ओमिशन। एंड तीसरा पॉइंट क्या बोलता है बेटा, देयर इज इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ठीक है, इंटेंशनल होना बहुत जरूरी है, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जानबूझ के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गलत यूज करना। AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि जब सर्टन हो जाए तब आप बुक करिए, तब रिकॉर्ड कीजिए। बट आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं भाई, अगर अभी ये रेवेन्यू बुक कर देगा तो मेरे को GST लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, मेरे को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता हूं अभी, मैं उसको पोस्टपोन करता हूं। क्या कर रहे हो भाई, जानबूझ के आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही आप फॉलो नहीं कर रहे हो, AS को फॉलो नहीं कर रहे हो ऑन पर्पस। तो इस सबसे क्या हो रहा है ना, आप समझिए देयर इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना बॉस, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं। समझा अभी बात को, एकदम सही है। सो ये यहां पे लिखा हुआ है। तो हाउ इट इज कॉस्ट, कॉस्ट मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, हाउ इट इज डन, हाउ इट इज डन, हाउ इट इज कॉस्ट, हाउ यू क्रिएट दिस फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। समझा क्या बात को, एनी वन एनी क्वेरी? तो चलिए इसको इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, मतलब कर ही रहे हो साथ में, बट इसको और जैसा स्पेस वेस मैनेज करना है उसको लिखिए इसको अच्छे से। चलो अब क्या है आगे तो बस क्या है, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल। नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व्स क्या क्या होता है, ये एग्जाम्पल से है कि अभी ये तो समझ में आ गया आपको। अब क्या लिखा हुआ है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी वो तीनों है, इट इन्वॉल्व्स नंबर वन मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स। मैनेजमेंट क्या करेगा, ओवरराइडिंग द कंट्रोल्स, वेरी गुड, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स दैट अदरवाइज में अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल सच एज टेक्निक सच एज। तो इन सब में क्या हो सकता है, मैनेजमेंट क्या करेगा, इसको कंट्रोल्स जो भी तीनों के लिए लगाए गए थे ना, इन तीनों के लिए जो भी कंट्रोल्स लगाए गए थे, मैनेजमेंट क्या करेगा इसको, मैनेजमेंट विल डू व्हाट, मैनेजमेंट विल ओवरराइड कंट्रोल्स टू अचीव दिस। और इसके जो एग्जाम्पल्स है फिर अपन लिखते हैं, इट इज ऑन पेज नंबर 2.3। चलो चलो चलो, इसके एग्जाम्पल्स किधर है, पेज 2.3। सही है। सो क्या क्या है, कैसे कर सकते हैं, आइए जरा चोरी करने के तरीके सीखते हैं तो पढ़ा हुआ है बचपन में यार, मस्त है। रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, फिक्टिशियस मतलब फेक, झूठे झूठे, पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स और टू अचीव अदर ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम्पल जो किया था किसने, सत्यम कंप्यूटर्स ने, क्या किया उन्होंने,
एफडीज जो है नहीं, वो एफडीज उन्होंने बता दी कि इतनी एफडीज है हमारी, समझेगा बात, एफडीज जितनी है नहीं उतनी बता दी कि हमारे पास उतनी एफडीज है, इतना सेल बता दिया कि जितना उतना है नहीं करके, तो ऑल द पोजिशंस वर व्हाट इन्फ्लेटेड, सो रिकॉर्डिंग व्हाट फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पर्टिकुलरली क्लोज टू द अकाउंटिंग ईयर, तो ईयर एंड में, इसलिए आप यूजुअली ईयर एंड स्क्रूटिनी करते हो ना, वो इसी पर्पस के लिए है कि साल के अंत में टारगेट जो आपके अचीव नहीं हुए हैं उसको कैसे अभी हम लोग दिखा दे कि हाँ हमने टारगेट्स अचीव किए, बाय रिकॉर्डिंग फेक फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज। अगर आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो आप क्या कर लोगे, खर्चा बता दोगे ईयर एंड पे, तो बहुत सी बार क्या हो जाता है, आप फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज को आप बुक करते हो। उसके बाद इन अप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग व्हाट, एडजस्टिंग अजम्पशंस और चेंजिंग जजमेंट्स टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेस, मतलब इधर अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल वेदर टू क्लासिफाई बैड और गुड डेट्स, मतलब वेदर द डेटर्स आर गुड और बैड, अब आपके मर्जी से आप इसको दिखा रहे हो, मतलब आप यूजुअली आप क्या करते हो, आप बता दो कि अगर वो वन ईयर के ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर गया है तो इट इज नॉन करंट, बट अगर उसके अंदर है तो करंट, आपने कहा चलो ठीक है, बट वन ईयर के बाद अगर उसका रिकवरेबिलिटी नहीं हो रहा है तो आपने उसको क्लासिफाई करना है एज वॉट इट इज अ बैड डेट, बट आप अभी क्या बोल रहे हो, आपको फाइनेंशियल पोजिशन अच्छा दिखाना है, तो आप बोलते हो नहीं 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 अभी हम लोग इसको गुड ही दिखाएंगे, इवन दो इट इज बैड यू आर शोइंग इट वॉट गुड, तो आप क्या कर रहे हो, जजमेंट से अजम्पशन से आप क्या कर रहे हो, आपके मर्जी के हिसाब से आप उसको चेंज कर रहे हैं ना, सो दैट इज वॉट इज नॉट जस्टिफाइड, दैट इज वॉट इज नॉट राइट, समझेगा बात को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ओमिटिंग एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस दैट हैव ऑकर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, आप क्या कर रहे हो, ओमिटिंग डिलेइंग एडवांसिंग, मतलब अपन क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लो अपना क्या बोल रहे हैं अपन, लेट अस से अपने को ऑलरेडी अपना 38 लाख रुपीज का सेल हो चुका है, अभी और 4 लाख का सेल जो है अपन क्या कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं टू अवॉइड कंप्लायंस, टू अवॉइड कंप्लायंस ऑफ जीएसटी, अच्छे से लिखता हूं, मतलब इग्नोरिंग एक्स्ट्रा सेल्स अबव लिमिट टू अवॉइड कंप्लायंस विथ टू अवॉइड कंप्लायंस विथ जीएसटी और टैक्स ऑडिट एटसेट्रा, तो इसलिए जानबूझ के अपन क्या कर रहे हैं, उसको अपन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, उसको अपन उसको शो ही नहीं कर रहे, बोले दिखाना ही नहीं अपन को उसको, तो ऐसी बात, सो ओमिटिंग एडवांसिंग और डीलिंग रिकॉग्निशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर, यस, नेक्स्ट कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स that could affect the record amounts recorded, affect the amounts recorded, मतलब कुछ information आप क्या कर रहे हो, hide कर रहे हो, छुपा रहे हो उसको, बराबर है, that could affect the amounts recorded in the financial statements, जैसे for example आपका जो fact है in regards to what going concern, आपकी बैंड बजी पड़ी है but आप उस fact को आप दिखाई नहीं रहे हो, तो आपका गोइंग कंसर्न अफेक्टेड हुआ है, दैट्स अ फैक्ट, बट आप उसको दिखाई नहीं रहे हो, अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है तो हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऑन क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यूज दिखाते हैं, बट अगर वो गोइंग कंसर्न आपका वैलिड नहीं है तो हम लोग रियलाइजेबल वैल्यूज पे दिखाते हैं, तो आप वो फैक्ट को क्या कर रहे हो, डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हो, बोले काय काय को दिखाने का, अमाउंट्स अफेक्ट हो जाएंगे ना, तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगा, सो नॉट डिस्क्लोजिंग दोज फैक्ट्स, आई बात समझ में, कोई जो है ना डेटर टर्न्ड इनसॉल्वेंट और बैंकरप्ट हो गया,
तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स में अपने को उसको प्रोविजन करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो ये फैक्ट्स ही आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट, एंगेजिंग इनटू कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस टू रिप्रेजेंट मिसरिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, होल्डिंग सब्सिडरी ग्रुप कंपनीज के साथ, रिलेटेड पार्टीज के साथ, अननेसेसरी इतने ट्रांजैक्शंस करने के, बराबर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अननेसेसरी मैटर को क्या करने का, कॉम्प्लिकेट करने का, ऐसे। एंड लास्ट में अल्टरिंग द रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। अबाउट व्हाट, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस जो आप रोजाना नहीं करते हो उनके क्या कर लेने के, टर्म्स अल्टर कर लेने के, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये एग्जाम्पल्स भी बच्चा लिख के रखना। सो दिस इज हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन बी व्हाट अचीव्ड बाय द एंटिटी। ठीक है, तो फेक जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का, या अजम्पशंस या जजमेंट्स को चेंज करने का, डिले ओमेट या एडवांस करना अबाउट रिकग्निशन ऑफ सर्टन आइटम्स, नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स एट ऑल, तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज आप कर सकते हो जिसके माध्यम से थ्रू दैट यू कैन अचीव फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्लीज राइट द एग्जाम्पल्स। चलो सिंपल है ना, एकदम सही है। डन। चल सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। How misappropriation of assets may be accomplished by entities. अभी अपन ने क्या अचीव किया? How fraudulent financial reporting is done. Correct है? अब अपन बात करेंगे second type, जो है बॉस, आप लोग जो है ना, ये misappropriation of assets, आप इसको कैसे accomplish, मतलब इसको कैसे आप अचीव करेंगे, बराबर एकदम। Yes sir. So, इसके बारे में अभी बातचीत करेंगे, सिंपल एकदम। सो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व्स व्हाट, थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट। थेफ्ट मतलब क्या बोला, थेफ्ट मतलब स्टील, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए मैंने, बट ठीक है। थेफ्ट मतलब क्या, स्टील, स्टीलिंग ऑफ कंपनीज एसेट्स, and is often perpetrated by employees in relatively small and immaterial amounts. It can also involve what, management, who are usually more able to disguise or conceal misappropriation in the ways that are very difficult to detect. Sahi hai ekdam. So this is accomplished in variety of ways. Including. So ye yahan pe wapas se kya ho gaye, uske examples ho gaye. How you actually do this. Clear ekdam? Yes sir. So, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, फर्स्ट इज एम्बेजलमेंट ऑफ व्हाट, रिसीट्स, पैसों की हेराफेरी करना, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन ऑन कलेक्शंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल और डाइवर्टिंग द रिसीट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट्स टू पर्सनल बैंक अकाउंट्स। एम्बेजलमेंट मतलब क्या करना है, एम्बेजलमेंट मतलब हम लोग कहते हैं उन रिसीट्स की हेराफेरी करना, हेराफेरी, इन रिसीट्स की क्या करना, हेराफेरी करना, इधर लिखते हैं। चलो हेराफेरी करना, ठीक है। सो दैट इज एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स, मतलब आप समझिए कैश सेल्स रिकॉर्डेड एज व्हाट, क्रेडिट सेल्स, रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स, कदम हो गया बात। कैश सेल्स को क्या करा, रिकॉर्डेड एज व्हाट, क्रेडिट सेल्स। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बराबर खत्म। फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग इन्वेंट्री फॉर पर्सनल यूज,
स्टीलिंग स्क्रैप फॉर रीसेल, ऐसा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड बाय द एंटिटी। मतलब आप समझिए, ऑर्डरिंग फॉर पर्सनल यूज इन नेम ऑफ एंटिटी, क्या करा, एंटिटी के नाम पे मंगवाया बट उसको पर्सनल यूज अपन कर रहे हैं। सो कॉजिंग एन एंटिटी टू पे, बिल किसके नाम पे फटेगा, तो एसेट मतलब कैश यहां पे मिस अप्रोप्रिएट हो गया ना, या तो फिक्टिशियस एम्प्लॉइज है, इन्फ्लेटिंग द प्राइसेस है, किकबैक्स है, किकबैक मतलब क्या, कमीशन फ्रॉम द वेंडर्स। किकबैक का सीन क्या होता है आप समझिए, ये यहां पे अपना एम्प्लॉई है, ये जो है यहां पे कौन है, वेंडर है, अपन इसको क्या बोलते हैं, वेंडर को सेल अस एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस, हमको इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे दे, वेंडर बोलता है मैं क्यों दूं इसको, तो ये इसको क्या बोलता है कि भाई इसमें तेरा क्या फायदा, तो ये तो बोलता है ठीक है, तो ये बोलता है इन रिटर्न गिव मी सम एक्स्ट्रा मनी, मैं तेरे को हायर प्राइस पे दे देगा, मैं ये बोलता है ऐसे क्यों कर रहा तू, मतलब चुपचाप तू ले रहा, तेरा फायदा हो रहा ना इसमें, तो इन रिटर्न वेंडर को बोलता है मेरे को थोड़ा फायदा दे, तो आधा फायदा तेरा आधा फायदा मेरा। जैसे नॉर्मल रेट अगर रहेगा 1 लाख, ये इसको बोलता है अपन इसको सेल करेंगे कितने पे, 1,20,000 पे, इसमें का 10,000 तेरा, 10,000 मेरा, ये जो 10,000 उसको जो हमने एक्स्ट्रा दिया इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज किकबैक। समझा बात को, तो ऐसा ये लोग कंपनी का जो एक्स्ट्रा ये जो बेटा 20,000 रुपए है ना, ऐसा ये लोग मिस अप्रोप्रिएट कर लेंगे, देखा कैसे कमीने लोग हैं, बराबर। और सेम जो अपन ने अभी ऊपर पॉइंट पढ़ा, यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, ऐसा। सो ये बात हो गई, यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, ये इसके लिए एग्जांपल हो गया। सो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या होता है, हम लोग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कर सकते हैं। सो इसके एग्जांपल्स किधर है, सो इसके एग्जांपल्स हम लोग लिखेंगे, एग्जांपल्स पेज नंबर 2.3। Misappropriation of assets is often accompanied by false or misleading records or documents in order to conceal the fact that assets are missing, have been pledged or authorization. Auditor may suspect that assets are missing or have been pledged without proper authorization. Although auditor may suspect, in rare cases identify, the auditor does not make legal determinations of whether fraud has actually been occurred. Clear? Yes. So, ऐसे करके क्या हो जाता है? ये हम लोग ने देखा कि frauds ऐसे हो सकते हैं. So, coming back to fraud, जो हम लोग ने ये 3 pages में पढ़ा, क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? कि अपने को opinion देने के लिए financial statements चाहिए, free from material misstatement, whether due to fraud or error. बट उसमें हम लोग बात कर रहे हैं एरर तो अनइंटेंशनल है तो उसको रखो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, बट
अगर फ्रॉड की बात करें तो ये इंटेंशनल एक्ट है और इसको ढूंढने के लिए बहुत तरह जान पे आती है, तो एक गाइडेंस चाहिए कि कैसे हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग डिजाइन करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे एसए 240 अपने को आके हेल्प करता है। एसए 240 क्या बोलता है, देखो फ्रॉड एक ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट है, बट अब भी हम लोग सिर्फ उसी फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे दैट कॉजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली That causes financial statements to be materially misstated. तो ऐसे केस में दो टाइप के frauds हम लोग को दिखते हैं, fraudulent financial reporting and misappropriation of assets, और respectively उसका टॉपिक हम लोग यहां पर देख रहे हैं। क्लियर है एकदम? यस बेस्ट। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं। अब ये सब फ्रॉड वॉर्ड का तो बात अपन ने पूरी समझ ली, एकदम विस्तार में हम लोग ने सीख लिया। अब बारी आती है कि आखिर सर ये किसकी जिम्मेदारी है, हूज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट। प्रिवेंट और डिटेक्शन की किसकी जिम्मेदारी, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट की जिम्मेदारी किसकी, कौन है वो, फटाफट बात करते हैं इसके बारे में। इट इज विद बोथ TCWG of the entity and management. So the primary responsibility it rests with TCWG and management. ध्यान से सुनना, दोनों के बीच में जो लिखा हुआ है वो है एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एंड लिखा हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस places a strong emphasis on fraud prevention, which may reduce the opportunities to commit fraud that take place and fraud deterrence. Deterrence matlab kya? To reduce, to avoid, to deter, to stop. Which could persuade individuals not committing fraud because of likelihood of detection and punishment. This involves commitment to creating a culture of honesty, ethical behavior, which can be reinforced by active oversight by those charged with governance. तो bottom line उस paragraph का क्या कहता है, जिम्मेदारी management and TCWG की है। ये कैसे करेंगे, एक थोड़ा माहौल बनाएंगे और ethical behavior, culture एक ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। So ये किसकी जिम्मेदारी है, TCWG, MGMT, management। इसमें एसए 240 के हिसाब से आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू फ्रॉड। तो बकायदा ये मेन टॉपिक है जो अपने को लिख के आना है, ठीक है। सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, आइए जरा समझते हैं। नंबर वन, रीजनेबल अश्योरेंस फ्रॉड मैनेजमेंट फ्रॉड एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बॉस ये जो है एसए 240 का मेन पॉइंट है। चलो सो क्या लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ ये रीजनेबल अश्योरेंस। अपने को क्या चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस बॉस, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स whether caused by error or fraud, ठीक है जी, yes sir। तो हमें क्या चाहिए, that the financial statements should be as a whole free from material misstatements, owing to inherent limitations, there is an unavoidable risk that some material misstatements may not be detected, ठीक है, some material misstatements may not be detected, even though audit is properly planned and performed in accordance with SAs. इसमें कोई दिक्कत नहीं है। So first point अपने को चाहिए कि boss reasonable assurance that financial statement should be free from material misstatements. Second point क्या कहता है, fraud के बारे में। अब बताइए जो potential effects, मतलब अपन क्या बोल रहे थे, impact of inherent limitation is significant, significant मतलब क्या कहते हैं, is greater, is impactful when the material misstatements is resulting from what,
और इस केस में क्या हो जाता है आप समझिए, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन दैट रिजल्टिंग फ्रॉम द एरर। फ्रॉड से हुए हुए मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढना काफी मुश्किल वाला काम है एज कंपेयर टू दैट विच इज हैपनिंग फ्रॉम द एरर। समझा बात, क्योंकि फ्रॉड ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया गया, इट इज एन इंटेंशनल एक्ट, धोखा देने की चाह से किया गया, तो बहुत शातिर दिमाग लगाया जाता है। सो इट इज डन विथ वॉट, एकदम सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट, सच एज फोर्जरी, डेलिबरेट फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, जो भी अपन ने ऊपर पढ़े हैं। सच अटेम्प्ट्स एट कंसीलमेंट मे बी इवन मोर डिफिकल्ट व्हेन इट इज अकंपनीड बाय कल्यूशन। कल्यूशन मतलब क्या? कमिंग टूगेदर, कमिंग टूगेदर। जब ये मिली भगत होगी ना, ये जब ये मिली भगत होगी ना, तब दैट इज व्हेन यू आर कमिंग टूगेदर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज इकट्ठा आ गए या एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज इकट्ठा आ गए, तो भाई इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। So, क्या कहते हैं हम लोग यहां पे? रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग इज हायर व्हेन इट इज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड। सो कल्यूजन में कॉज द ऑडिटर टू बिलीव दैट एविडेंस इज परसुएसिव व्हेन इट इज फैक्ट इन इट इज फॉल्स। उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर ये मैनेजमेंट फ्रॉड है, देखो ऐसे तो फ्रॉड को ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट अगर ये मैनेजमेंट, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज अगेन व्हाट? ग्रेटर एज कंपेयर टू एम्प्लॉय फ्रॉड। क्योंकि आप समझिए, एम्प्लॉय के ऊपर मैनेजमेंट तो है, बट मैनेजमेंट के ऊपर कौन है? कोई भी नहीं है, तो दिक्कत ना वाला। सो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिपुलेट द रिकॉर्ड्स, बराबर, दे कैन इन अ पोजिशन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिपुलेट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल। सो इसीलिए और डिफिकल्ट हो जाता है। सो तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है? व्हेन ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन व्हाट? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब पता है, ऑलवेज बी अलर्ट टू सर्कमस्टेंसेस that indicate possible mistake. हमेशा अलर्ट रहना कि कुछ तो भी गड़बड़ हो सकता है। ऑलवेज बी वॉट अलर्ट, ऑलवेज बी वॉट अलर्ट कि मैनेजमेंट ऐसा कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो ऐसे 240 बोलता है कि बॉस, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी फ्रॉड वाला अगर मामला आपको नजर आता है, तो भैया क्या कीजिएगा? आपने ये बातें फॉलो कीजिए कि भाई तुम ध्यान रखो कि आपको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बी इट बिकॉज ऑफ फ्रॉड और बिकॉज ऑफ एरर। दैट इज पॉइंट नंबर वन। नंबर टू क्या बोलता है कि भाई अगर फ्रॉड की बात करें ना, तो फ्रॉड का इंपैक्ट ग्रेटर है एंड द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर एज कंपेयर टू एरर, बिकॉज फ्रॉड ये सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाता है। Third, we talk about is management fraud. The risk of not detecting management fraud is much higher as compared to employee fraud because management directly or indirectly कुछ ना कुछ तो क्या कर सकता है? Financial statements, accounting records को affect कर सकता है। Last में इसीलिए you are always supposed to be what? Alert to the circumstances that may indicate what? Potential misstatements. Clear एकदम? Yes sir. अब जो टॉपिक आगे हम अपन पढ़ने वाले हैं ना, बाय गॉड यू विल एंजॉय, दिस इज फुल ऑफ एग्जांपल्स। फुल ऑफ एग्जांपल्स ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ना, अब ये फुल ऑफ एग्जांपल्स, जितनी भी बातें अभी तक हमने करी ना, तो बेटा इट इज फुल ऑफ एग्जांपल्स। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, किस वजह से क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं। So fraud risk factors are the events or conditions that indicate incentive pressure to commit the fraud or to provide an opportunity to commit the fraud. तो ऐसे कौन से कौन से? तो आइए जरा देखते हैं इसको। What is the incentive pressure?
नीड टू मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ थर्ड पार्टी टू ऑब्टेन एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग मे क्रिएट प्रेशर टू कमिट फ्रॉड. एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग, जैसे आज के तारीख में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टअप्स दे नीड व्हाट फंडिंग. स्टार्टअप नीड व्हाट फंडिंग. सो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, दे आर अंडर प्रेशर टू शो दैट दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड एंड फॉर दैट दे मे रिसोर्ट टू व्हाट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज. नंबर टू, द ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बोनसेस इफ अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स आर मेट मे क्रिएट इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉड. जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग फिक्टिशियस पर्संस को दिखा देंगे कि वो लोग सेल कर रहे हैं. आपको पता है पहले, मतलब ये जो है ना एग्जाम्पल, ये ओला, ओला नहीं, ये किधर होता था, ये उबर में होता था. उबर में ये उबर ड्राइवर्स है ना, ये लोग फ्रॉड करते थे ऐसे. ये लोग क्या करते थे, राइड्स बुक कराते थे अपने दोस्ती दोस्तों से, यारों से. अब देखो क्या होता था, फर्स्ट 5 राइड्स तो फ्री होती थी जब उबर न्यू लॉन्च हुआ था. तो वो लोग क्या करते थे, अपने दोस्तों को बोलते थे राइड्स बुक करो. वो राइड्स बुक करते थे, थोड़ा सा डिस्टेंस में हो गया राइड बुक, तो उनको रेटिंग मिलती थी, उनके वो टारगेट अचीव होते थे. तो इसीलिए कंपनी उनको और इंसेंटिव देती थी, क्योंकि उबर का क्या था कि नया आए ना अपन, तो भाई आप लोगों को क्या करना है, बहुत ज्यादा राइड्स लेनी है आपको, तो होना चाहिए, तो कुछ भी करो करके. तो ये लोग अपने दोस्तों यारों को ऐसा बोलते थे, अनरियलिस्टिक करते थे और कंपनी को लूट लिया था. फैक्ट है ये एकदम. उसके बाद कंट्रोल एनवायरनमेंट, क्या बोला, एक एक्सपेक्टेशंस ऑफ थर्ड पार्टी फॉर फाइनेंसिंग, सिग्निफिकेंट बोनसेस टू अचीव द अनरियलिस्टिक गोल्स, बराबर, और कंट्रोल एनवायरमेंट दैट इज नॉट इफेक्टिव में क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट व्हाट फ्रॉड्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या कहेंगे अपन, नो मैनेजमेंट ओवरसाइट, नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस, दीज आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स. So, ऐसे बहुत सारे. अब अपन क्या करने वाले भाई साहब, फुल एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अभी अपन सिर्फ इसको एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाना है, ठीक है. चल, बिकॉज ये जो है ना, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने को पता होना चाहिए कि ये लोग कैसा चोरी करेंगे, और जैसा वो लोग चोरी करेंगे उसके हिसाब से अपन उनकी चोरी पकड़ सकते हैं, ठीक है जी. सो आओ देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं. So, क्या कह रहे हैं, रिस्क फैक्टर्स लीडिंग टू मिसस्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ओके, सो अभी क्या कह रहे हैं, बकायदा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बात हो रही है, इंसेंटिव या प्रेशर, ठीक है. चल, सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमिक industry or entities operating conditions such as, abhi pressure kya kya hai, incentive kya kya hai. So agar aapka high degree of competition hai aur market saturation accompanied by declining margins, so there is a pressure to commit what frauds. High degree of competition, bahut zyada cutthroat competition hai. तो ऐसे केस में अगर आपको उस मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करनी पड़ेगी. यहां पे आप समझिए, एग्जाम्पल जो है ना, ये सत्यम का ही एग्जाम्पल बेस्ट है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. भाई विप्रो टीसीएस भयंकर परफॉर्म कर रहे थे और इनको सरवाइव करने के लिए मतलब बहुत जान पे,
मतलब इट वॉज देवर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट. सो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा बताने के लिए कि हम लोग एकदम वेल टू डू है करके. मार्केट सैचुरेशन, डिक्लाइनिंग मार्जिन. तो ऐसे केस में देर इज वॉट एन इंसेंटिव और प्रेशर, वो प्रेशर है. उसके बाद हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस, कि देर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस और इंटरेस्ट रेट्स. तो अगेन देर इज वॉट एन इंसेंटिव फॉर प्रेशर, कि देर इज अ हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस. आपका धंधा जो है ना, ये कंटिन्यूअसली क्या है, चेंज होते जा रहा है. तो आपको मतलब इतना रिस्क क्रिएट हुआ है कि भाई हम लोग कैसे सर्वाइव करें, सच एज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. अब जैसे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस. सो अगर टेक्नोलॉजी की वजह से पहले हम लोग ऑफलाइन करते थे बिजनेस, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर. सो ऐसे केस में भाई साहब प्रेशर बनता है सर्वाइव करने के लिए, अफ्लोट रहने के लिए. बराबर. प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है. अब मार्केट में अपना प्रोडक्ट कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है. तो ऐसे केस में हमारे ऊपर प्रेशर है कि वी फ्रॉडुलेंटली रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शो दैट वी आर डूइंग फैंटास्टिक, वी आर डूइंग वेरी वेल. और इंटरेस्ट रेट्स, बराबर, इफ दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड्स एंड बिजनेस फेलियर्स इन ईदर द इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी. आपका प्रोडक्ट अब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंडलाइन, टेलीफोन्स, बट आपको फिर भी दिखाना है कि आप बहुत अच्छे हो. बराबर. बिजनेस फेल हो रहे हैं, बराबर के नहीं. तो ऐसे केस में इधर इन इधर द इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी. सो लैंडलाइन, टेलीफोन्स, कस्टमर डिमांड, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉड करेंगे. ऑपरेटिंग लॉसेस, अ थ्रेट ऑफ बैंक्रप्सी और हॉस्टाइल टेक ओवर, नेगेटिव कैश फ्लोस. बराबर. रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी compared to that of other companies in the same industry, new accounting or statutory or regulatory requirements, that is what an incentive. ठीक है, रीड कीजिए इन सारे पॉइंट्स को. चलो डन. सॉरी, बाय मिस्टेक वो आ गया था. चलो, सो ये इंसेंटिव प्रेशर्स. एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर मैनेजमेंट टू मीट रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ थर्ड पार्टीज. प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. वापस एक बार. Excessive pressure exists for management to meet the requirement or expectations of third parties. Third party जो हमारे धंधे में पैसा लगा रहा है. बराबर. अगर मान लो Google ने Airtel में पैसा लगाया, तो Google से ज्यादा Airtel के ऊपर प्रेशर रहेगा कि Google के requirements को, expectations को हम लोग पूरा करें. So we have to maintain the profitability or trend level expectations of the investment analyst, institutional investors,
मतलब वी हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर ट्रेंड और लेवल, क्योंकि अगर बाहर के लोग हमारे में पैसा लगा रहे हैं तो हम लोग को वो लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, बराबर। अगर हम लोग को और एडिशनल डेट या फाइनेंसिंग चाहिए तो हम लोग को ये प्रेशर है। मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स और डेट रीपेमेंट और अदर डेट कोवनेंट, कोवनेंट मतलब क्या, अग्रीमेंट्स। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मतलब ये जो है ना, आप समझो बात को, जब आप ऑडिट्स करते हो ना तो आपने ये इंडिकेटर्स को ढूंढना है, ये फैक्टर्स को आपने देखना है कि क्या हमारे क्लाइंट का प्रोडक्ट आउटडेट हो रहा है क्या, क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है क्या, क्या इनके ऊपर प्रेशर है क्या, यार थर्ड पार्टी ने इसके बिजनेस में पैसा लगाया तो उसके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी गलत गलत कर सकते हैं, इनको डिबेंचर्स को रिडीम करना है तो उनका वो इतना सॉल्वेंसी होना चाहिए, ये रेशियो डेट इक्विटी का मेंटेन करना चाहिए। मतलब आप समझो ये बेसिकली वो फैक्टर्स है, समझे क्या बात को, कि दैट पुट्स व्हाट अ प्रेशर, बराबर, दिस पुट्स व्हाट अ प्रेशर ऑन दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस, परसीव्ड और रियल एडवर्स इफेक्ट, बराबर। मतलब अगर हम सोचते हैं कि अगर हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑन पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स और पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स सच एज बिजनेस कॉम्बिनेशंस और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स, मतलब अगर अपने को बिजनेस कंबाइन मतलब मर्जर करना है, या हम लोग को कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसीव होना है, अवार्ड मतलब रिसीव होना है टू गेट कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। अगर हमारा, आप समझिए ना बात को, अगर हम लोग बिजनेस को मर्ज करें या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड अवार्ड होने वाला है, मतलब अपने को ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीव होने वाला है, तो क्या कहते हैं भाई कि अगर मेरा पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट दिखा ना तो मुझे ये मर्जर नहीं होएगा, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो यार मेरे ऊपर है ना ये इतना प्रेशर है कि अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो मुझे वो प्रॉफिट लेवल दिखाना पड़ेगा, मुझे अगर एडिशनल पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा उतना प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना पड़ेगा, मुझे अगर लिस्ट करानी है कंपनी को तो मेरे को लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तुम समझ रहे क्या बात को, अगर मेरा पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखता है तो मेरा बिजनेस मर्जर नहीं होगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिसीव नहीं होगा, ये सब दिक्कतें होगी भाई, समझाएगा। सो दिस पुट्स व्हाट अ प्रेशर। सो इंफॉर्मेशन अवेलेबल इंडिकेट्स दैट पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट और TCWG इज थ्रेटन्ड बाय एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अगर उनको फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, पोर्शंस ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ देयर कंपेंसेशन आर बेस्ड ऑन दैट, पर्सनल गारंटीज है, एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग पर्सनल टू मीट फाइनेंशियल टारगेट्स। तो ये क्या है, ये अगर उनका मैनेजमेंट का या TCWG का फाइनेंशियल सेल्फ इंटरेस्ट, ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है उनके, पढ़ लीजिए ये। सो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये हम लोग ने इंसेंटिव या प्रेशर की बात करी, फिर ये प्रेशर, एक्सेसिव प्रेशर्स कैसे आते हैं उनके ऊपर, कि उनके ऊपर प्रेशर कैसे आया कि उनका खुद का जो है ना ज़्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब दे आर वॉट लेट अस से मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो लोग खुद, तो इसके लिए वो कंपनी का कुछ खराब नहीं चाहेंगे या खराब होने नहीं देंगे, या खराब होगा तो भी दिखाएंगे नहीं वो लोग, बराबर है। उनको सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ देयर कॉम्पेंसेशन, बराबर, मतलब उनका रेम्यूनरेशन, बराबर, ये बेस्ड ऑन टारगेट्स है, या इधर अपन लिखते हैं टारगेट बेस्ड, ये कैसा है, ये टारगेट बेस्ड है। तो ऐसे केस में क्या होगा, उनकी पर्सनल गारंटीज है, बराबर, जैसे किंगफिशर का अपना विजय माल्या, तो विजय माल्या ने पर्सनल गारंटीज दिए थे, ठीक है। सो ऐसे कुछ बात है। अब अपॉर्चुनिटीज, मौका 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 मौका। तो अभी हम लोग बच्चा बात कर रहे हैं किसके बारे में, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इज द अपॉर्चुनिटीज। तो चर्चा हो रही है किसके बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, आपका धंधा कैसा है उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी उधर फ्रॉड करने की है या नहीं है। जैसे सिंपल सिंपल बात है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन,
आप फ्रॉड कर सकते हो, आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, और टू डोमिनेट सर्टन इंडस्ट्री सेक्टर दैट अलाउज द एंटिटी टू डिक्टेट टर्म्स। अदानी जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट में हम लोग ने देखा, कुछ तो फैक्ट्स होंगे उसके अंदर, बराबर। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन वॉट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट्स और अनसर्टेनिटीज विच आर डिफिकल्ट टू कॉर्बोरेट। कॉर्बोरेट मतलब क्या? कंफर्म, मतलब आपके एसेट लाइबिलिटीज रेवेन्यूज बराबर, विच आर बेस्ड ऑन वॉट एस्टिमेट्स। एसेट लाइबिलिटीज रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस उसमें एस्टिमेट्स है, एंड देट आर बेस्ड ऑन वॉट सब्जेक्टिव जजमेंट्स और डिफरेंट अनसर्टेनिटीज जो आप कंफर्म नहीं कर सकते हो क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो। सिग्निफिकेंट अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस, सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस लोकेटेड और कंडक्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यूज ऑफ बिजनेस इंटरमीजियरीज जो आपके क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडरीज एसोसिएट्स, सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स और सब्सिडरी और ब्रांच ऑपरेशंस इन टैक्स हेवन ज्यूरिस्डिक्शंस। तो ये सब क्या है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि विच एक्टिविटीज क्रिएट व्हाट अपॉर्चुनिटीज। रीड कीजिए उसको। अच्छे से रीड करो उसको, सिर्फ घूरो मत उसको। चल, सो लेट्स गो आगे। अब बात बारी आती है, द मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग। मैनेजमेंट का ध्यान इज नॉट इफेक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग। नंबर वन, डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय अ सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप विदाउट कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स और ओवरसाइट बाय TCWG ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव। देर इज अ कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज एविडेंस बाय द फॉलोइंग। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है, मतलब जो अपन कहते हैं जो आपकी हायरार्की है बराबर, दैट इज अनस्टेबल बराबर। सो इस वजह से और प्रॉब्लम्स आ सकती है। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग हु हैज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एंटिटी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग अनयूजुअल लीगल एंटिटीज और मैनेजरियल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया हायरार्की, एंड हाई टर्न ओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट लीगल काउंसिल और TCWG। टर्न ओवर मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो अपन लेबर टर्न ओवर सीखते हैं ना बराबर के नहीं, तो इनका रोटेशन हो रहा है बराबर के नहीं, लीविंग एंड कमिंग, लीविंग बराबर के नहीं, बहुत ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं। सो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो सकती है। सो इंटरनल कंट्रोल कॉम्पोनेंट्स आर डेफिशिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, क्या है यहाँ पे, इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग, हाई टर्नओवर रेट्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट आर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स दैट आर नॉट इफेक्टिव, सिचुएशंस इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। क्लियर एकदम? यस। सो क्या क्या बातें करी अपन ने, इंसेंटिव प्रेशर पढ़ लिया अपन ने,
जिसके एग्जाम्पल्स अपन ने देखे कि क्या क्या इंसेंटिव या प्रेशर में हुआ था, कॉम्पिटिशन बराबर नेगेटिव कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग लॉसेस, अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना है वैसा, प्रेशर के बारे में बात करी, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करी कि मौके कब मिलते हैं, रिलेटेड पार्टीज के साथ मौके मिल जाते हैं, फाइनेंशियल प्रेजेंस है आपका तो मौके मिल जाते हैं, अगर आप एस्टिमेट्स कर सकते हो अपने हिसाब से जो डिफिकल्ट है कंफर्म करने के लिए तो मौका मिल गया चोरी करने का, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस कर सकते हो मौका मिल गया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, टैक्स हेवन कंट्रीज में लोकेटेड हो मौका मिल गया चोरी करने का, शेल कंपनीज बना ली, सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स है आपके, तो ये सब क्या है अलग अलग मौके है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कुछ चोरी चकारी आप कर सकते हो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एटीट्यूड्स एंड रैशनलाइजेशंस। अभी एटीट्यूड मतलब क्या है आप सबको पता है, एटीट्यूड मतलब अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट द थॉट प्रोसेस, सोच, सोच के वजह से क्या क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट और एनफोर्समेंट ऑफ एंटिटीज वैल्यू एथिकल स्टैंडर्ड्स बाय मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन ऑफ और द कम्युनिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज और इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज का और एथिकल स्टैंडर्ड्स का दैट आर नॉट इफेक्टिव। मतलब आप समझिए बात को, इसमें अपन क्या कहते हैं कि कितने अच्छे से आप कम्युनिकेट इंप्लीमेंट और सपोर्ट या एनफोर्स करते हैं बराबर के नहीं आपके वैल्यूज प्रिंसिपल्स को। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि भाई चोरी करना ये गलत बात है, भाई नहीं नहीं करने का चोरी बीरी है, क्या फालतूगिरी लगा के रखा है, तो ऐसे केस में लोग जो है ना वो फ्रॉड्स नहीं करेंगे। बट अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप वो वैल्यूज वो कुछ बराबर से एनफोर्स नहीं कर रहे हो तो लोग चोरी करेंगे ना। तो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर डिस्कसिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड और रैशनलाइजेशंस, आप कितना बढ़िया तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जब मम्मी आपको बचपन में याद होगा आप किसी और का इरेजर भी लेके आते थे तो मम्मी आपको बहुत मारती थी, बहुत पिटाई करती थी आपकी, तो आप समझिए वो उतना स्ट्रांगली एनफोर्स किया गया था और फिर आप आज तक किसी की कोई भी चीज आपको आप हाथ भी नहीं लगाते हो बराबर है। बट अगर आपको कभी ऐसा किसी ने टोका ही नहीं रोका ही नहीं तो आपका एटीट्यूड बन गया कि क्या इट्स अ नॉर्मल थिंग, पेन चोरी करना इरेजर लेना इट्स व्हाट नॉर्मल, समझे बात को। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड, आप कितना अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से चीजें कम्युनिकेट करते हो। नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेसिव पार्टिसिपेशन और प्री ऑक्यूपेशन विद सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स, अरे जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग इन्वॉल्व हो रहे, क्या बात कर रहे हो। नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस, ये तो वर्ल्ड फेमस लोग है सत्यम बराबर के नहीं, उसके बाद हम लोग ने बात करी नीरव मोदी लेट गीतांजलि ज्वेल्स, अरे भैया ये लोग तो जाने माने शातिर लोग है फ्रॉड करने वाले। ये जब आप कोई नया कंपनी स्टार्ट करेंगे नया बिजनेस करेंगे तो उसमें भी अपने को दिखेगा कि भाई ये लोग तो क्या है, भाई क्या बोलने का इनको, तो इनका इतिहास ही बोल रहा है, देयर हिस्ट्री इज लाइक दैट कि दे हैव बीन यू नो नॉन कंप्लाइंग विद द लॉस एंड दे आर गोइंग टू फ्रॉडुलेंटली रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द स्टॉक प्राइसेस और अर्निंग्स, मतलब उनको क्या है अपना शेयर प्राइस बढ़ाने का, सो दैट फिर वो एक टाइम मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा बेच बिचा के नक्की हो जाएंगे। तो भाई उनका एटीट्यूड यही है कि स्टॉक मार्केट प्राइस को इन्फ्लेट करो फिर उसको बेच दो अपना प्रॉफिट निकाल लो, अगर यही उनका एटीट्यूड है यही उनका सोच है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। प्रैक्टिस बाय मैनेजमेंट ऑफ कमिटिंग टू एनालिस्ट क्रेडिटर्स एंड अदर थर्ड पार्टीज टू अचीव एग्रेसिव और अनरियलिस्टिक फोरकास्ट, अपने को थर्ड पार्टीज को खुश करने का है, क्रेडिटर खुश रहने चाहिए, बैंकर्स खुश रहने चाहिए, इन्वेस्टर एनालिस्ट ने हमेशा हमारे बारे में अच्छा बोलना चाहिए, वी शुड बी इन देयर गुड बुक्स, तो उसके हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस हम लोग ने अच्छा दिखाना है। फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, पता है गलत हो रहा है बट फिर भी वो लोग कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, क्या मैनेजमेंट बनेगा रे तू बराबर के नहीं। एंड इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन एम्प्लॉइंग इनअप्रोप्रिएट मीन्स टू मिनिमाइज द रिपोर्टेड अर्निंग्स फॉर टैक्स मोटिवेटेड रीजंस, जानबूझ के खर्चे कम दिखाना, कौन बोले कौन भरेगा इतना टैक्स, येड़ा है क्या नहीं भरने का, खर्चे दिखा, फिक्टिशियस पेमेंट्स दिखा, एटीट्यूड इज दैट ना बराबर की नहीं। लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट बराबर, मतलब सीनियर मैनेजमेंट इज व्हाट, मतलब उनका मोरल ही मतलब वो क्या बोले दे आर व्हाट,
दे आर नॉट इंटरेस्टेड रे, दे आर वॉट, क्या बोल रहे अपन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, कहाँ ये सब बोल रहे, कौन मगजमारी करेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अरे तुम सीनियर लोग है, बोलते नहीं नहीं जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बराबर। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब जो बिजनेस के लिए जो चीजें खरीदी वो अपनी है, अपनी है वो पर्सनल, फ्रॉड होएगा ना। डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर्स, रिकरिंग अटेम्प्ट्स बाय मैनेजमेंट टू जस्टिफाई मार्जिनल और इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग, बराबर के नहीं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द करंट प्रीडिसेसर ऑडिटर इज स्ट्रेन्ड, रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर इज स्ट्रेन्ड, बराबर के नहीं। इट इज वॉट हार्ड एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग, ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में का रिश्ता जो है ना, ये भाई अब थोड़ा तान तनाव वाला बन चुका है, जैसे कि उनमें हर बार डिस्प्यूट्स होते हैं, बराबर। वो बोलते हैं हम ऐसा रिपोर्ट करेंगे, तो वो बोलते हैं नहीं, वो बोल रहे यार तुमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का डिस्टिंक्शन नहीं दिखाया, बोलते जरूरत नहीं है, अरे करना पड़ेगा भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे, वो मिस एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हमेशा डिस्प्यूट्स। अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन द ऑडिटर, सच एज जल्दी जल्दी वो क्या करो, टाइम पे खत्म करो उसको, बराबर। अरे भाई वी नीड टाइम, इसीलिए फिर वो क्या बोलते हैं उसको, बायजूस के ऑडिटर ने रेजिग्नेशन काय को दिया, यही बोला कि टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग को दिया नहीं, हम लोग जा रहे हैं छोड़ के भाई, ठीक है ना। सो अनरीजनेबल डिमांड्स, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हमारे ऊपर, बराबर, दैट अनअप्रोप्रिएट लिमिट एक्सेस टू पीपल, इसको नहीं मिल सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एंड डोमिनियरिंग मैनेजमेंट बिहेवियर इन डीलिंग विद द ऑडिटर स्पेशली इन्वॉल्विंग अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क। तो आप अगर ऐसा करोगे, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये। सो ऐसे कौन से इवेंट्स कंडीशंस है जिसके वजह से द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर बिकम्स व्हाट स्ट्रेन, तो ऐसे केस में भाई फिर अपन बोलेंगे भैया ये गलत कर रहे हैं तुम हमारे साथ, तो ना ये नहीं चलेगा ऐसा। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, ये कौन सा है, ये एटीट्यूड के बारे में बात हो गई है। सो ये सारी बातें जो हमने इंसेंटिव प्रेशर या एटीट्यूड या अपॉर्चुनिटीज की जो बात करी, वॉज इन रिलेशन टू वॉट, द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक बार ये एटीट्यूड वाले पॉइंट बेटा पढ़ लो, पढ़ने का ये सब क्या है, एग्जाम के लिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो इसको, रीड केयरफुली। पढ़ो पढ़ो अच्छे से, कम ऑन गाइस, अंडरलाइन करो, मार्किंग करो, क्या क्या हो रहा है समझो, उनके एटीट्यूड के बारे में बातचीत हो रही है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट, अभी अभी ये किसके बारे में हो गया, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। सो इधर अपन ने इसके फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ये एग्जांपल्स हमने रीड करे, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, एक इंसेंटिव या प्रेशर के बारे में बात करी, फिर हमने अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करी, इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, और उसके बाद हमने एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन के बारे में बात करी, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग ने पढ़े, सही है। अभी सेम वे में यहां पे अपन को ये सेम टू सेम
फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स अभी किसके लिए पढ़ना है? फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब एसेट की चोरी करने के लिए कैसे क्या क्या बातें हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मतलब ये फुल एग्जाम्पल, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये बस अपने को पता होना चाहिए कि कल चल के भाई तू ऑडिट करने जाएगा तो ऐसी क्या क्या घटनाएं होगी कि जिसके वजह से तेरे को पता चलेगा कि हाँ भैया ये जो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये लोग ऐसा चोरी कर रहे हैं उसको, ठीक है जी। ओके, तो रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिसस्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट इंसेंटिव या प्रेशर का पढ़ते हैं, फिर दूसरा अपॉर्चुनिटीज का पढ़ेंगे, फिर तीसरा एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन का पढ़ेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है ना दोनों के फ्रॉड रिस्क फैक्टर से खत्म हो जाएंगे अपने। क्या बात है, इंसेंटिव या प्रेशर कैसा मौका मिल रहा है इनको, आइए देखते हैं क्या इंसेंटिव क्या प्रेशर है। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, समझ रहे क्या? उस एम्प्लॉय का पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रहेगा, उसको बच्चे की स्कूल फीस भरनी रहेगी, क्या कर सकता है वो, उसके पास पैसे नहीं है, कंपनी दे नहीं रहा है, चोरी करेगा ना भैया? चोरी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना सर। मे क्रिएट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज विद एक्सेस टू कैश और अदर एसेट्स ससेप्टेबल टू थेफ्ट। एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दी एंटिटी एंड एम्प्लॉयज विद एक्सेस टू कैश एंड अदर ससेप्टेबल टू थेफ्ट में मोटिवेट दी एम्प्लॉयज टू मिस अप्रोप्रिएट। मैं ईमानदारी से देखो, मेरा पर्सनल ऑब्लिगेशन है मैं चोरी करेगा, मेरा पर्सनल ऑब्लिगेशन कुछ नहीं है, बट साला तुम मेरे से ठीक से बातचीत नहीं कर, हर बार आके मेरे को टोकते रोकते, काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, साला किरकिरी हर बार चालू है, चोरी करेगा बराबर। उसके बाद नोन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉई ले ऑफ। ले ऑफ मतलब क्या समझते हो? ले ऑफ मतलब उनके जॉब्स जो है वो हम लोग क्या करने वाले, टर्मिनेट करने वाले। हे मालूम है ये अपने को निकालने वाले, पहले ही चोरी करके नक्की हो जाए। उसके बाद एंटिसिपेटेड चेंजेस इन एम्प्लॉई कंपेंसेशन और बेनिफिट प्लान्स इफ दे आर गोइंग टू बी रेड्यूस्ड। क्या करेंगे अपन, चोरी करेंगे ना बाबा, बराबर के नहीं? इफ दे आर वॉट गोइंग टू बी रेड्यूस्ड, चोरी कर देंगे। प्रमोशन कंपेंसेशन और अदर रिवॉर्ड इनकंसिस्टेंट विथ वॉट एक्सपेक्टेशन। यार मैं सोचा था मेरा इंक्रीमेंट 20% होगा, यार तुमने तो सिर्फ 5% करा, 5% भी काय को करा, जान दे चोरी करके मैं अलग 15% और कमा लेता हूँ ना, काय को टेंशन लेने का। सो दीज आर वॉट द डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स और द प्रेशर्स रिजल्टिंग इन टू वॉट द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को चोरी कर देंगे। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, बहुत पैसा पड़ा हुआ है, ओ गिनते भी नहीं है, इतना पैसा है, इतना पैसा, जो कैश एंड कैरी बिजनेस होते हैं ना, इतना पैसा होता समझ में भी नहीं आता, वहां पे लोग 200-500 चोरी भी कर लेना फर्क नहीं पड़ता। इन्वेंटरी आइटम्स विच आर स्मॉल इन साइज बट हाई इन वैल्यू और हाई इन डिमांड, तो चोरी कर लो उसको, छोटू सी चीज, बराबर के नहीं? जैसे अपना एग्जाम्पल, मतलब छोटू सा गोल्ड का इतना सा भी चुराया बहुत पैसा मिल जाएगा उसको, बराबर। सिल्वर चुरा लिया बहुत पैसा मिलेगा उसको, ठीक है ऐसा। कन्वर्टेबल एसेट्स, बेरर बॉन्ड्स, डायमंड्स, देखो कंप्यूटर चिप्स, चुरा लो उसको। फिक्स्ड एसेट्स विच आर स्मॉल इन साइज मार्केटेबल एंड लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, अपना पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, बराबर के नहीं? फिक्स्ड एसेट्स तो छोटा है, आराम से बेच सकते हैं उसको। ऑर्गेनाइजेशन में कैमरा होगा, बराबर के नहीं? अभी जैसे हमारा ये कैमरा है जिसके थ्रू मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, छोटू सा है, ऐसे 4-5 कैमरा है, एक कैमरा गायब भी होगा, समझ में भी नहीं आएगा किधर है, तो ऐसा। सो दैट इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स में इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में ऑकर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन, इनएडिक्वेट ओवरसाइट, inadequate oversight by senior management, inadequate management oversight of employees, inadequate job applicant screening, सही employee को नहीं चुना, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, inadequate record keeping of the assets,
मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन करते हो, या ऐसा सीधा लिख देता हूँ, फिक्स्ड एसेट की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे एसेट रजिस्टर की बात करता हूँ, एसेट रजिस्टर की इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड, लैक ऑफ कंप्लीट एंड टाइमली रिकंसिलिएशन, लैक ऑफ टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ मैंडेटरी वेकेशंस जो रोटेशन के लिए काम में आता है, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी, इनएडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल्स ओवर ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स। तो ऐसे के ये सब जो है ना, ये क्या है सर, मतलब भाई तुम में वो काबिलियत लैकिंग है, ये इंटरनल कंट्रोल्स, आप समझिए बात को, ये इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, इनएडिक्वेट है। अगर सेग्रीगेशन है तो ये कंट्रोल है, ओवरसाइट है कंट्रोल है, ओवरसाइट है कंट्रोल है, एप्लीकेंट स्क्रीनिंग ये कंट्रोल है, रिकॉर्ड कीपिंग कंट्रोल है, ऑथराइजेशन अप्रूवल कंट्रोल है, फिजिकल सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स कंट्रोल है, रिकंसिलिएशन कंट्रोल है, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल है, वेकेशन पे जाना तो उसके जगह दूसरा व्यक्ति आएगा तो ये कंट्रोल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग होना कंट्रोल है एक्सेस के ऊपर। तो आप समझिए ये सारे जो मैंने ब्लू में अंडरलाइन करे, ये क्या है, अलग अलग टाइप के कंट्रोल है एसेट्स के ऊपर के, बट अगर वही इनएडिक्वेट है तो प्रॉब्लम, समझा? रीड करो दोबारा से, बॉडी के अंदर जाने दो उसे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, पढ़िए उसको। पढ़ो पढ़ो, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब एग्जाम्पल, ये बचपन में पढ़ा था रे, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, आपको चाहिए इसके एग्जाम्पल बोल देता हूँ। तो इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जाम्पल, अकाउंटिंग ऑफ कैश एंड कलेक्शन ऑफ, ठीक है, इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर सच एज ट्रेवल एंड अदर रीइंबर्समेंट, सो इससे क्या हो सकता है, फेक रीइंबर्समेंट हो सकता है, इनएडिक्वेट सुपरविजन तो वहां पे भी चोरी हो सकती है, इनकॉम्पिटेंट, एम्प्लॉयज आएंगे विच विल हैव वॉट, चोरी करने का एटीट्यूड, एसेट रजिस्टर, ऑथराइजेशन, फिजिकल स्टैंड सेफ गार्ड, रिकंसिलेशन, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अभी लास्ट पॉइंट अपन बात कर रहे हैं एटीट्यूड को लेके, सो डिसरिगार्ड टू एटीट्यूड क्या है, डिसरिगार्ड फॉर नीड ऑफ मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क, मतलब इज्जत ही नहीं देना मॉनिटरिंग और रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। अरे कौन ध्यान रखेगा यार, छोड़ना, कौन रिस्क को, एटीट्यूड वैसा है तो चोरी होगी। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर फोकस नहीं करना, बोलते इज्जत नहीं देना इंटरनल कंट्रोल को, ओवर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और फेलिंग टू टेक अप्रोप्रिएट रिमेडियल एक्शन, बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससेटिस्फेक्शन विद एंटिटी और ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल। भाई तुम एकदम अभी तो भाई पहले कैसे रहते थे, अब ऐसा एकदम चकाचौंध एकदम, भाई क्या है, उससे पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चोरी कर रहे हो। टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, आप क्या करते हो, आपका अगर 500 रुपये भी चोरी हो गया आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको लगता है क्या ये चिल्लर के लिए क्या ही इतना लोड लेने का। तो ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, आप समझिए बात को, वो चोरी करते जाएंगे, सही है एकदम, यस वेरी गुड, बहुत एग्जाम्पल हो गए यार सर, ठीक। सो ये लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं बॉस, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा। सो लास्ट टॉपिक डन थे, व्हाई इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर इज नेसेसरी,
ये क्यों कर रहे हैं अपन ऊपर का, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट टू सी वेदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट, दे मे नॉट नेसेसरली इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, नॉट नेसेसरली इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, दे हैव ऑफन बीन प्रेजेंट इन सर्कमस्टेंसेज फ्रॉड हैव ऑकर्ड एंड देयरफॉर मे इंडिकेट दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. सो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स अगर वो है तो जरूरी नहीं कि वो इंडिकेट करेगा कि फ्रॉड है, बट वो ये बताएगा कि क्या यहां, मतलब यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है. द फैक्ट दैट फ्रॉड इज यूजुअली कंसील्ड मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, नेवरदलेस ऑडिटर मे आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स. फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कैन नॉट इजिली बी रैंक इन ऑर्डर टू ऑफ इंपॉर्टेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स वेरीज वाइडली. Some of these will present in entities where specific conditions do not present risks of material misstatement. Accordingly, the determination of whether a fraud risk factor is present and whether it is considered in assessing due to fraud requires exercise of what professional judgment. So basically, क्या हम लोग क्यों consider कर रहे हैं इसको कि fraud को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, correct है? तो इसीलिए अगर वो circumstances या वो events अगर वहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं तो एटलीस्ट हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नो डाउट ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स वेरी होते हैं, बराबर है. इट कैन नॉट बी रैंक ऑफ इंपॉर्टेंस कि ऐसा है तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ऐसा है तो बहुत कम फ्रॉड है, ऐसा, ठीक है. सो दिस इज व्हाई इवैल्यूएशन इज नेसेसरी. ओके, ऐसे 17 पॉइंट्स है बॉस इस एसे 240 में. सो जिसमें अभी तक हम लोग ने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, तो उम्मीद कर रहा हूं ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, करेक्ट है एकदम. यस सर. सो कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज अ शॉर्ट ब्रेक, राइट. सो थैंक यू.